अभी दगा और सगा कोई नहीं है, अगर जीत जाता हूँ तो सबने साथ दिया, सब सगे हैं। अच्छा अच्छा। और अगर खुदा ने खास्ता कुछ विपरीत परिणाम आए तब फिर, हालांकि मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है मैं अनजान हूँ, कोई बालक हूँ। मेरा अनुमान है कि मैं 1,00,000 से ऊपर से जीतूंगा। 3 विधानसभाओं में क्लियर मार्जिन है। कितनी दूर है ये सुना करो यार, दिल्ली आ गई? कोई नहीं है, दिल्ली तो अब 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। अब कहां दूरी रही है? तो इसलिए 3 विधानसभाओं में क्लियर कट मार्जिन है। किन किन में? माट, बलदेव और गोवर्धन। माट, बलदेव और बलदेव, बलदेव भी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है बलदेव। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है ये माट और बलदेव में होड़ लगी है कि ज्यादा से कौन जीतेगा, माटे से जीतेंगे हम ज्यादा से या बलदेव से जीतेंगे ज्यादा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री और मेरे साथ हैं, आप जानते ही हैं, इनकी जन्म पत्री मथुरा के लिए तो ये अनजान नहीं है और वर्तमान में तो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसके 3 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में मैदानी जंग में आए, उनमें से एक आप रहे और 2 जो कर्ता धरता हैं वो रहे, अजीत सिंह और जयंत चौधरी, आप हैं कुंवर नरेंद्र सिंह जी, और गठबंधन के प्रत्याशी आप रहे जी। और आजकल बड़े चैनो सुकून में हैं, बेसब्री से प्रतीक्षा है परिणाम की, है ना? और कैसे कट रहे हैं दिन, कैसे कट रही तो है रातें आपकी? 26 तारीख को नॉमिनेशन किया हमने खत्री जी, और 27 से प्रचार में लग गए। हाँ। और 16 को प्रचार बंद हो गया, तब से मौका नहीं मिला। सुन लीजिए, सुन लीजिए, समय कम मिला। हाँ। लेकिन देखिए, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी होते हैं जो जब एग्जाम आ जाता है तब पढ़ते हैं, तब मेहनत करते हैं और पास हो जाते हैं जी। और एक विद्यार्थी वो होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, तो उन्हें मेहनत एग्जाम के दिनों में करने की जरूरत कम पड़ती है। हाँ। पड़ती है। हाँ। लेकिन कम पड़ती है। तो हम उन विद्यार्थियों में से हैं जो साल भर पढ़ते हैं, 5 साल पढ़ते हैं। हाँ। 30 साल पढ़ते हैं। हाँ, सालों साल पढ़ते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए समय कम मिला, ये बात सही है, और हमने सोशल मीडिया पर डाला भी था कि समय अभाव के कारण हम सब जगह नहीं पहुँच पाए, 5 विधानसभाओं में हर दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाए। और लोकसभा चुनाव वैसे भी डोर टू डोर कन्वेंसिंग का होता नहीं है, हवा पे और मुद्दों पे, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। तो हमने तो स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा और अपनी बात जनता तक पहुंचाई और जनता ने उसको स्वीकार किया। और स्थानीय, चूँकि हमारे खिलाफ जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लड़ रही थी, वो एक दूसरी दुनिया से आती है, उनका राजनीति से, समाज सेवा से कोई सरोकार नहीं, वो ग्लैमर की दुनिया की लेडी है। तो इसलिए जनता ने भी उसको उसी तरह से ही लिया और पिछले 5 साल में उनके जो कार्य किए गए या कराए गए, उन्हें जो कराए गए उन्हें भी ध्यान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ कराया ही नहीं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं मिला। अब मोदी जी का फैक्टर कुछ आजकल, ये एग्जिट पोल कल से जैसे ही आखिरी चरण समाप्त हुआ है, एग्जिट पोल कुछ दिखा रहे हैं। अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले से ही, जैसा कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल, आम लोग, बहुत से लोग तो अब टीवी देखना ही बंद कर दिए थे, न्यूज़ वगैरह, क्योंकि उसमें मोदी जी आते थे। और नमो टीवी चल गया था एक, और एक वो रिपब्लिक है, वो अर्णब गोस्वामी का, मैं बड़ा, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, आदर तो नहीं करता था लेकिन वो ठीक ठाक बोलते थे, थोड़े एग्रेसिव उसमें बोलते थे, एक नई शैली उनने बोलने की निकाली थी, तो उससे, लेकिन अब वो बिक गए, वो तो बिके हुए हैं, बिल्कुल बिके तो सभी हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल, अब वो कितने करोड़ों अरबों में बिके हैं ये तो हमें नहीं मालूम। मुझे लगता है भारत की जनता की गाड़ी कमाई मोदी जी ने शायद इन मीडिया वालों को ही दे दी है। जो अब भी आप देखिए, नेल्सन जो सबसे अच्छा माना जाता है ABP का, उसने कल शाम को 6 बजे, चुनाव के 1 घंटे बाद ही, 58 सीटें गठबंधन की यूपी में दिखाई थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 27 में से 6 सीटें दिखाई थी और 21 सीटें गठबंधन की दिखाई। 2 जैसे ही मोदी जी बने, देहरादून से दिल्ली आए हैं और उन्होंने अपना जाल बिछाया है,
उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये चैनल कैसे गड़बड़ कर रहा है, वो चैनल कैसे गड़बड़ कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, सबको ठीक करो। अब वो पैसे से ठीक हुए कि दमक से ठीक हुए कि धनक से ठीक हुए, बहरहाल उन्होंने वो 58 की 44 कर दी। अच्छा जी, कि 44 सीटों पे गठबंधन जीत रहा है और 23 पे उनको कर दिया। तो ये आप बात कह रहे हैं वो नापतोल कर कह रहे हैं? मैं नापतोल के नहीं, मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ भाई, जब जनता में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, सब चीज़ों पर निगाह खोल के रहे हैं। हताशा काय की है, हताशा तो 23 के बाद पता नहीं। बेईमानी तो नहीं, सुनिए, लहर तो कुछ नहीं है, बनाई जा रही है लहर, काल्पनिक लहर। कहाँ लहर बनाई जा रही है? कहाँ है लहर, क्या है लहर, काय पे चुनाव हुआ है, कौन सी चीज डिलीवर करी है उन्होंने, क्या कहा है, क्या उमर अब्दुल्ला ने कहा? उमर अब्दुल्ला कश्मीर को संभालने पहले हैं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा के संग इन्होंने बैठ के सरकार चलाई 3 साल, कितने आदमी मर गए, सारे चैनल, कितने चैनल बने, सारे चैनल बिके। और हम तो वैसे अब ये बात कर भी नहीं रहे हैं कि आप जीतेंगे या हारेंगे, ये हारने का तो शुभ शुभ बोलिए जरा आप। नहीं, हम ये देखिए, आप दाढ़ी वैसे ही मुड़ा, आप सुनिए, ये वास्तव में एक बड़ी टेढ़ी खीर है। जब परिणाम आने वाला हो और थोड़ा सा हवाएं विपरीत सी बहने लग जाए, अचानक जैसे ये सर्वे आ गए हैं और उन, हाँ बताइए, हाँ आप अर्णब गोस्वामी मत बनो, नहीं नहीं, आप अर्णब गोस्वामी से हमारी तुलना भी मत करो प्लीज। तुलना यूं नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा कहाँ राजा भोज, और कहाँ वो राजा भोज होगा, पैसा उसने कमा लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन एथिक्स की बात करें, अगर मूल्यों की बात करें, तो मैं समझता हूँ वो आज बिल्कुल लीक से हटके हैं, अलग बात कर रहे हैं। उनकी गरिमा गिरी है, पैसा भले ही हो सकता है वो कमा रहे हो, हम तो उनकी डिब्बों की, जिस दिन 16-18 से चुनाव हुआ है, मुतवातिर जी, मैं एक आध दिन को मथुरा से बाहर गया हूँगा, तो गया हूँगा, एक महीना 5 दिन होने जा रहा है तो गया हूँगा, लेकिन हम बराबर उनकी रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमें शुरू से ये डर भी था, भय भी था, एप्रिहेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ हो जाए। हालांकि वहाँ CRPF मुस्तैदी से CISF लगी हुई है और पुलिस भी है और हमारे आदमी भी रहते हैं, कार्यकर्ता जो हमारे, मैं रोज जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है, मेरे सहयोगी इष्ट मित्र शुभचिंतक सभी जाते हैं, कभी कभी 50-100 लोग भी हो जाते हैं, कभी कभी 10-15 भी हो जाते हैं। और आज तक मेरे यहाँ से हलवाई हटा नहीं है चुनाव के बाद से, आज भी जारी है। कल मेरी कार्यकर्ताओं की बैठक है, जो हमने इलेक्शन एजेंट बनाए, काउंटिंग एजेंट, उनकी कल खंडेलवाल सदन में बैठक है, उसके लिए भी कल भोजन तैयार हो रहा है, और फिर 23 को हमारे जो काउंटिंग में जाएंगे उनके लिए भी हो रहा है। तो हलवाई हटे नहीं और हम सजग हैं। अब रिमोट से मोदी जी वहीं दिल्ली से बैठ के कुछ डिब्बों में हारी हुई हेमा को जता दें तो मैं कह नहीं सकता, जनता ने तो उसको उनको हरा दिया, जनता ने उनको हरा दिया क्योंकि इसलिए हरा दिया कि वो यहाँ के मुद्दों पर, यहाँ की समस्याओं पर सजग नहीं थी, चेतन नहीं थी, और उन्हें जागरूक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया कि जो उनके बीच का हो। कि आपका कौन रहा सगा और किसने आपको दगा दिया? अब वो विश्लेषण बाद में होगा, अभी नहीं, अभी दगा और सगा कोई नहीं है। अगर जीत जाता हूँ तो सबने साथ दिया, सब सगे हैं। अच्छा अच्छा। और अगर खुदा ने खासा कुछ विपरीत परिणाम आए तब फिर, हालांकि मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है मैं अनजान हूँ, कोई बालक हूँ। अच्छा, 30-32 साल हो गए, कई चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, समझे, मेरा तो कैरियर ही है। आपको बता दूँ खत्री जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तब आप पता नहीं इससे जुड़े हुए नहीं थे आप, हमें मैं यूँ ले आता हूँ कि आप थोड़ा प्रेशर से करते हो। कॉलर है, अरे वो आपके कॉलर बिल्कुल साफ है, वो शर्ट है ना, हाँ दाग नहीं है उसमें, चलिए। लेकिन हमारा कैरियर जो शुरू हुआ है ना, मैं 82 में प्रमुख हो गया था, और प्रमुख को उस वक्त अनलिमिटेड पावर थे, गजिस्ट्रेट ऑफिसर BDO जो होता है ना, उसकी ACR से लिखना शुरू किया मैंने कैरियर, गजिस्ट्रेट, और DM भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर है और BDO भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर है। तो मुझे, और मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि ACR में क्या लिखा जाता है। अच्छा, जिसको कहते हैं एनुअल करेक्टर रिपोर्ट, जिससे उसको प्रमोशन मिलता है, इन्हांसमेंट सैलरी में मिलता है, मतलब सारे काम ACR अभी लिखी जाती है वो रिपोर्ट,
पहले जिला पंचायत डीएम की लिखता था ये थे, तो सुनिए मैं अपनी भी बहुत कुछ। अरे अब आप होंगे, आप समझ रहे कि नहीं आप होंगे या हैं? नहीं हैं और होंगे, मतलब क्या है? नहीं नहीं, मैं अपनी जानकारी आपको दे रहा हूं सीधे कि कारवां क्यों लुटा। अरे कहीं कहां लूट दिया आपने, कितने लूट दिया? कारवां नहीं लूटा, अडवाणी जी का अपमान हो रहा है, आप कारवां लुटवा रहे हो। अच्छा, अपनी बिरादरी को तो देखो खत्री जी, सच बताइए आप, हैं खत्रियों का इतना बड़ा अपमान हुआ फिर भी आप हाटगिरी कर रहे हो मोदी मेरे ऊपर ही लेकर आ रहे हो? तो क्यों नहीं आऊंगा जब आप प्रश्न अनोखे कर रहे हो, फेरा कर अनेक टोटे प्रश्न क्यों कर रहे हो आप? सीधे 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 करो, सीधे सीधे। आपको कहां कहां से कितना समर्थन मिला, किस किस विधानसभा क्षेत्र ने आपको जिताया, किस किस ने आपको हराया? सच सच क्यों नहीं जाता आपसे बताया? आज नहीं तो कल नाउ नाउ कौन मने कर रहा है नाउ? और बता दीजिए आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं कम्फर्ट बिल्कुल सही है, मैं कम्फर्टेबल मार्जिन से जीत रहा हूँ और मेरा अनुमान है कि मैं 1 लाख से ऊपर से जीतूंगा। अच्छा, लाखों से ऊपर की जीत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कार्यकर्ता कह रहा है जिसने मेरे संग मेहनत की है। ठीक है, फिर ये आप 4:44 के आसपास हेमा रुक जाएंगी और मैं 5:55 के आसपास जाऊंगा। तो कैसी भी लहर हो आपको तो संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं, संतुष्ट आपको कहाँ असंतुष्ट तो देख रहा हूं। ये पता है कि हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं और ये आपके लिए गॉड गिफ्ट था। और सुनिए, अरे एक दूसरे को नहीं, एक तो आप लोग इतना बोल लेते हो, हाँ बन जाओ, तीन विधानसभा, एक बात ध्यान रखना यार, सच्चाई अब ऐसे नखरे नहीं दिखाओगे। अब आप काम लंबी है ना, लंबी मत खेचो, मुझे बहुत कामों से जाना है। हाँ, बहुत कामों से। तीन विधानसभाओं में क्लियर मार्जिन है। दिल्ली कितनी दूर है ये सुना करो यार। दिल्ली आ गई? कोई नहीं है, दिल्ली तो अब 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। कहाँ दूर है अब? एक्सप्रेस हाईवे अखिलेश ने बना दिया, मायावती जी ने बना दिया, अब कहाँ दूरी रही। तो इसलिए 3 विधानसभाओं में क्लियर कट मार्जिन है। किन किन में? माट, बलदेव और गोवर्धन। माट, बलदेव और बलदेव, बलदेव भी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है बलदेव। अच्छा, हाँ हो सकता है ये माट और बलदेव में होड़ लगी है कि ज्यादा से कौन जीतेगा, माटे से जीतेंगे हम ज्यादा से या बलदेव से जीतेंगे ज्यादा से। अच्छा, ठीक है, गोवर्धन में लगभग 30,000 के आसपास की जीत हार होगी। ठीक है, अब रहे सवाल छाता और मथुरा। मथुरा में बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन मुझको वोट मिला है, हर तबके का मिला है। कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ मेरा वोट नहीं है, कोई जात ऐसी नहीं है जिसका मुझे कितना वोट मिला। वर्ग विशेष कौन वर्ग विशेष जिस पर सभी आप नहीं कौन सब धर्मनिरपेक्ष दल सभी सभी सारे मिले। देखिए, अब मैं क्लासिफाई नहीं करना चाहता जाति, मेरी बात सुनिए, मैं किसी जाति को क्लासिफाई नहीं करना चाहता किसका मिला है। मैंने आपसे एक बात कही, सातों जात का वोट मिला है और हर बूथ में मिला है। ठीक है ना, अब मैं बता दूं, क्लासिफाई करके जात नहीं बता रहा हूं लेकिन मैं उनका कार्य बता रहा हूं। रेड़ी वाले, ढकेल वाले, फेरी वाले, रिक्शे वाले, तांगे वाले, कुली, टेम्पो वाले, ढकेल वाले, खोमचे वाले, खोखे वाले, जिनके खोखे हटाए जाते थे, रोज मेरे खिलाफ FIR जो हुई हैं उनके लिए मैंने संघर्ष किया, इसलिए वोट दिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनको किसी भी बिरादरी का चाहिए, चाहे उसमें कोई जात का सही, गरीब तबके ने मुझको सबने दिया और हमारी माइनॉरिटी ने, बहन जी का मतदाता जो है उन्होंने MP, तो क्या तो करेंगे? सबसे पहला काम कौन सा करोगे आप? देखिए, सबसे पहले काम तो जमुना मैया का है। अच्छा, हाँ, उसको शुद्धिकरण के लिए मांग उठाएंगे। अगर हम सत्ता में फोड़ता है चना, कोई ऐसी बात नहीं है, और भी होंगे सहयोगी दल, हमारी विचारधारा नहीं, वो दल बल का कोई बात नहीं है। अगर सत्ता में हम लोग रहे तो चीज़ें बहुत सामान्य होंगी, अगर सत्ता से बाहर रहे तो संघर्ष करेंगे, संघर्ष ही हमारा जीवन है। दूसरा, मैंने छाता शुगर मिल के लिए कहा है कि उसमें से धुआं निकालना है मुझे, चिमनियों में से। अच्छा, नारियल नहीं फोड़ना है, हवन नहीं करना है, शिलान्यास नहीं करना है, उद्घाटन नहीं करना है, लाल फीते नहीं काटने, वहाँ पर धुआं निकलता हुआ दिखेगा। एक यहाँ की बेरोजगारी की समस्या है युवाओं की जी, जो हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जी, ठीक है, उसमें यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो पढ़ के जाते हैं स्कूल कॉलेजों से, वो नेताओं के यहाँ चक्कर काटते हैं या पैसा देने के लिए, रिश्वत देने के लिए उन पर पैसा नहीं है, तो वो बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए वो क्राइम की दुनिया में जाता है, सीधी सीधी बात है। और मोदी जी ने ये जो ज़मीन के कारोबार थे जो कर रहे थे लोग कॉलोनाइजिंग का और इसका छोटे मोटे स्तर पर, उसमें लड़के लगे हुए थे युवा, उनसे काम भी लेते थे वो लोग कि भाई नाप तोल कर लो, किसी से पैसा ले आओ, किसी को दे आओ, किसी से बात कर आओ, किसी से चीत कर आओ, तो उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनको
कुछ आर्थिक सहायता मिलती थी। अब वो कारोबार सब प्राय बंद हो गए बिल्डर्स के, लगभग मथुरा में बड़े शहरों में चल रहे होंगे। तो उसमें जो लगा हुआ युवा था वो आज बेरोजगार है। कुछ साधन संपन्न थे, उनने अपना कारोबार कर लिया, व्यवसाय कर लिया, नौकरी ले ली। जो नहीं थे वो क्राइम की दुनिया में चले गए। आप आए दिन सुनते हैं, आप तो मीडिया से जुड़े हुए, किसी की चेन खिंच गई, किसी का पर्स कट गया, किसी लड़की के कान के बुंदे छिन गए, किसी की स्कूटर छिन गया, ये वो करते हैं। तो हमारा ये है कि उन बच्चों को रोजगार मिले। क्योंकि NGT की वजह से यहाँ से कारोबार सब समाप्त हो गए प्राय, यहाँ पे अब कोई उद्योग नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि यहाँ ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा व्यवसाय, तो इसके लिए बेरोजगारी, बाकी तो क्राइम कम होना चाहिए। क्राइम बहुत है आए दिन, आप देखिए कानून को कि लड़के का आज तक पता नहीं लगा कौन मार गया जी। तो ये अकर्मण्यता जो है प्रशासन की, पुलिस की, सुरक्षा की दृष्टि से भी मथुरा बहुत महफूज रहना चाहिए। और पहले तो था, आपने बातें बताई वो वाली, जब आप बन जाएंगे तब आप इन बिंदुओं पर, हम तो उन सभी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बाई चांस अगर नहीं बनते हैं तो भी सर्व जीवन हमारा तो मथुरा पे ही नौछावर है। अच्छा, हाँ, और फिर उसके बाद में कुछ चिंतन करेंगे, उसके भी कुछ चिंतन करना है। बेईमानों के आगे क्या चिंतन करना है, हारेंगे तो बेईमानी से हारेंगे, ईमानदारी से जीतेंगे। अच्छा, और हमने तो पहले ही कह दिया था कि लड़ाई बांके बिहारी और बम्बई की है, बांके बिहारी हारना चाहे तो हार जाए, हमारा क्या है। वाह, ऐसी ऐसी बातें कह डाली, कह रही थी। अब आप थे नहीं ना, दूर रहे ना, उतनी सुविधा हम आपको नहीं दे पाए जिससे आप हमसे जुड़ते, तो इसलिए आप दूर रहे। हमने तो राष्ट्रीय चैनलों पे कहा ये। अच्छा, और ये प्रकाशित भी हुआ है, लोगों ने देखा है, लेकिन सारी गतिविधियां बांके बिहारी जारी रही मुंबई, क्योंकि मुंबई से आती है, हम बांके बिहारी के चरण दास है, हम बांके बिहारी के संतुलन। हमने तो यही कहा, ये मथुरा का बम्बई का झगड़ा है, लड़ाई है, और देखते हैं जनता किसको जिताती है। अब ये तो निर्णय डिब्बों में बंद है। जो एग्जिट पोल्स आए, अब एग्जिट पोल तो ये फर्जी है, मैं तो मानता नहीं, कोई भी नहीं मान रहा, कोई भी राजनीतिक नहीं मान रहा कि रात रात में 327 के 300 पार, ये साले बेईमान शुरू से ही 300 कर रहे थे। तो या तो मशीनें सेट कर रखी हैं 300 पे, क्या चक्कर है, 300 कहाँ से आ गए भाई तुम्हारे, चलिए हैं। तो ये चैनलों की सब मैनेजमेंट है, और ये तस्वीर अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, प्रभु ऐसा ही करे कि ईमानदारी से हो, हमारी तो ईश्वर में भी आस्था है, हम तो धर्म में भी आस्था है हमारी, और कर्म में भी आस्था है। तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी के रालोद प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह रहे हमारे साथ, और हमने जो आपसे की बात ऐसे समय में की जब चुनाव परिणाम आने ही वाले हैं, और ऐसे लम्हों में क्या स्थिति होती है, वो झल्लाट भी आपने देखी समझी ही, और अभी भी दिखाई दे रही है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जीत जाएं तो बहुत अच्छी बात, आपको हमारी शुभकामनाएं। और एक बात ये है कि अगर ये बाई चांस हार जाएं तो फिर मनन करें और ये देखें कि कहां कमियां रही, हमने अपना और कर्म किया, हमारी शुभकामनाएं, आप हमने हमारे साथ हैं, बाकी सब कुछ आपने इनसे सुनाई है, इनके बारे में हम ज्यादा और क्या कहें, क्योंकि जब तक हम बोलते रहेंगे ये चुप नहीं रहेंगे। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री। अभी दगा और सगा कोई नहीं है, अगर जीत जाता हूँ तो सबने साथ दिया, सब सगे हैं। अच्छा अच्छा, और अगर खुदा ने खास्ता कुछ विपरीत परिणाम आए तब फिर, हालांकि मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है मैं अनजान हूँ, कोई बालक हूँ। मेरा अनुमान है कि मैं 1,00,000 से ऊपर से जीतूंगा, 3 विधानसभाओं में क्लियर मार्जिन है। सुना करो यार, दिल्ली आ गई, कोई नहीं है, दिल्ली तो अब 1.5 घंटे में पहुँचते हैं, अब कहाँ दूरी रही है। तो इसलिए 3 विधानसभा में क्लियर कट मार्जिन है, माट, बलदेव और गोवर्धन। माट, बलदेव और बलदेव, बलदेव भी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है बलदेव। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है ये माट और बलदेव में होड़ लगी है कि ज्यादा से कौन जीतेगा, माटे से जीतेंगे हम ज्यादा से, या बलदेव से जीतेंगे ज्यादा से। अच्छा।